हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन डॉट कॉम चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे क्रिसुमी की। जी हाँ दोस्तों, क्रिसुमी 3.0 यानी क्रिसुमी का तीसरा फेज़ आ रहा है। इससे पहले दो फेज़ आ चुके हैं। दोनों फेज़ में क्या रहा, क्या नहीं रहा, कितना बिका, कितना नहीं बिका, क्या क्या लेके आए थे, सबके बारे में कंप्लीट डिटेल दी जाएगी, ताकि आप अगर डिसीजन ले रहे हैं इसको बाय करने का, तो आप इसका जो पिछला फेज़ वन फेज़ टू गया है, किस तरह का गया है, उसको सोचकर देखकर अपना सही डिसीजन ले सके। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक लास्ट में करें, क्योंकि वीडियो आपको पसंद आए तो उसके बाद ही उसको लाइक करें। बात कर लेते हैं क्रिसुमी। क्रिसुमी अपने आप में एक कह सकते हैं क्रिसुमी सिटी है। इनके पास यहाँ पर 60 से 65 एकड़ लैंड है सीपीआर पर। सीपीआर का अभी तक का लग्जरी का पहला प्रोजेक्ट है ये क्रिसुमी। ये फेज़ वाइज आ रहा है। 2019 में दिसंबर में इनका फेज़ वन आया था, उसके बाद 20, 21, 22 में कुछ नहीं आया, 23 में इनका मई में स्टूडियो अपार्टमेंट और 1LD के आए थे। 1LD के क्या है उस पर भी बात करेंगे, हम उसको 1LD के कहें या हम उसको 1BHK कहें इस पर भी बात करेंगे। अब फेज़ 3 में इनके 3BHK, 2BHK और 3BHK स्टडी, इस तरह के कुछ साइजेज़ आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। CPR सेंट्रल पेरिफेरल रोड, यानी गुड़गांव का सबसे छोटा हाईवे है 3.5 किलोमीटर का, उस पर ये प्रोजेक्ट है। एक तरफ इसके द्वारका एक्सप्रेसवे लगता है, जो नॉर्दर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, जो चल पड़ेगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। बहुत डेडलाइन आती रही है, मुझे लगता है कि जब दिल्ली वाला पार्ट उसका पूरा हो जाएगा, एक साथ ही शायद ये पूरा ओपन होगा। पीछे इसके ग्लोबल सिटी है, जो पिछले कई साल से तैयारी चल रही है, जिसमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेंडर भी हो चुका है, और ये ऑप्शन होना था वो शायद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो बाउंड्री टच करती है। तो जो लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की, वही इसकी USP है। इसके जैसी लोकेशन किसी और प्रोजेक्ट की नहीं है, ये बिल्डर को भी पता है और ये इसमें इन्वेस्टमेंट करने वालों को भी पता है और इसमें जो एंड यूज़र है उनको भी पता है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी लोगों में ख्वाहिश रहती है, एक्साइटमेंट रहती है कि ये आए और इसमें हम प्रॉपर्टी बाय करें। कुछ ही महीनों पहले की बात है, जब इनके 1BHK और स्टूडियो आए थे, 350-320 के करीब इनके अपार्टमेंट थे और 1200 लोगों ने चेक दिया था। काफ़ी लोगों ने नाराज़गी भी व्यक्त की थी हमने कि UI काफ़ी पहले लगा दिए थे, उसके बाद भी हमें अपार्टमेंट नहीं मिला। लेकिन आपकी उसी नाराज़गी को देखते हुए मुझे लगता है कि बिल्डर को चीज़ समझ में आ गई है, वो इस बार अपना फेज़ 3 में करीब 1000 अपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं अप्रॉक्स। हाँ, प्राइस में आपको बहुत उछाल देखने को मिलेगा। जब इन्होंने 2019 में अपना फेज़ 1 लॉन्च किया था दिसंबर में, तब इनका जो BSP था वो 8,500 के आसपास था। सेकंड फेज़ इन्होंने जो लॉन्च किया उसमें इनका 15,000-15,500 के आसपास इनका BSP था। अब ये जो लॉन्च करेंगे अपना फेज़ 3, 20,000-22,000 के बीच में रहने वाला है। तो आप लगा सकते हैं कि दिसंबर 2019 से लेके और जनवरी 2024 यानी 2020, 2021, 2022 और 2023, 4 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और हाँ, 2024 में ये अपने फेज़ 1 की डिलीवरी भी देने जा रहे हैं। उसमें करीब 12 पेंट हाउस है, 433 टोटल अपार्टमेंट थे और 2BHK और 3BHK भी उसमें अपार्टमेंट हैं। 8,500 से शुरू हुआ 2019 के एंड में और 2024 के शुरुआत में आपको वो 20,000 यानी डबल से भी ज़्यादा है, इसमें आपको प्राइस का एप्रिसिएशन और ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले इसके नाम को डिकोड करते हैं। जैसा कि आपने इसका नाम सुनी लिया है, इसका नाम क्रिसुमी है। क्री यानी कृष्णा ग्रुप, जो इंडिया की एक कंपनी है, इंडिया का ग्रुप है, मारुति का बहुत बड़ा वेंडर है, उनके नाम से कृष्णा मोटर से क्री लिया है। और क्रिसुमी मी लिया है, सुमितोमो ग्रुप है जापान का, उससे लिया है। तो इन दोनों को मिलाकर क्रिसुमी बना है। सबसे पहले आप ये समझ लें, इसके फ्यूचर में भी और फेजेज आएंगे और ये अपने आप में पूरी टाउनशिप होगी, एक उसका पूरा एंट्रेंस होगा। हर बार जब भी ये अपना नया फेज लेकर आते हैं, उसका क्लब हाउस लेकर आते हैं। फेज़ 1 में भी अलग से क्लब हाउस लाए थे, फेज़ 2 में भी। माइवन कंस्ट्रक्शन है जो ये जैपनीज कंपनी है,
ये अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए जानी जाती है। 400 साल पुरानी कंपनी है, टोक्यो में, हांगकांग में बहुत जगह इनके प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर इंडिया में इनकी जो कंस्ट्रक्शन कर रही है कंपनी, वो इंडिया की टॉप कंपनी कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा की। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत से लेके और की हैंडओवर तक का सारा काम यहाँ पर टाटा कर रहा है क्रिसुमी के लिए। क्रिसुमी से कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है NH8 की, क्योंकि क्लोवरलीफ के बिल्कुल पास में ये प्रोजेक्ट है। क्रिसुमी से CPR की आपको मिल जाती है, क्रिसुमी से आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की। तो कनेक्टिविटी तो इसकी जो है, इसके जैसी किसी की कनेक्टिविटी नहीं है। जब 77 में DLF का प्रोजेक्ट आया, वो कह रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के पास अमेरिकन एक्सप्रेस आ रहा है 75 में, तो इसके तो बिल्कुल ही 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के दायरे में ही वो अमेरिकन एक्सप्रेस आ रहा है। एयर इंडिया ने जो लैंड लिया है जहाँ वो अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, वो भी इसके पास में है। DLF की सो कॉल्ड जो साइबर सिटी 2 कहा जाता है, वो भी इसके पास में है। इसके सामने 220 एकड़ का लैंड है। कहा जाता है या तो वो ओपन स्पेस रहेगा या वहाँ पर प्राइवेट गोल्फ आएगा, तो इसके सामने आपको किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिखाई देगा। कमर्शियल की बात करें तो मिरेकल है ऐलान का, वो शुरू हो चुका है। बगल में 88 सेक्टर है, पूरा कमर्शियल है, वो इसके बिल्कुल पास में है। और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, वो बिल्कुल इसके पास में है जो मानेसर की तरफ जा रहा है। न्यू गुड़गांव से इसकी कनेक्टिविटी होती है, NH8 से इसकी कनेक्टिविटी होती है, SPR से इसकी कनेक्टिविटी होती है, आपकी एक्सटेंशन से इसकी कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेस कोल कोर्स रोड से इसकी कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी इसकी इतनी शानदार है। जब बात करें अमेनिटीज़ की, तो शेफ ऑन कॉल हो, चाहे आपकी EV चार्ज हो, चाहे आपकी गाड़ी का वॉशिंग का हो, चाहे यहाँ स्विमिंग पूल हो, चाहे यहाँ पर VRB हो, चाहे यहाँ पर जेन गार्डन हो, चाहे यहाँ पर ग्रीनरी हो, चाहे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक हो, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप नाम लीजिए, वो सारी चीज़ें इसमें हैं और इसी चीज़ के वो इतने पैसे ले रहे हैं। 30 से 40 मीटर का इस पे ग्रीन बेल्ट भी है, इसके आसपास आपको ग्रीनरी भी दिखाई देगी। अब फेज वन की बात कर लेते हैं। फेज वन में 433 अपार्टमेंट, 3 टावर आए थे। फेज वन में 2 BHK आया था आपको 1478 स्क्वायर फीट का, 3 BHK आया था 1976 स्क्वायर फीट का, 3 BHK प्लस स्टडी या सर्वेंट के वो आया था 2538 स्क्वायर फीट का। इनके प्राइस में आपको बता देता हूँ, दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूँ, 2 BHK 1.3 CR का आया था, 3 BHK इसमें 1.7 CR का आया था, 3 BHK प्लस स्टडी इसमें आया था 2.2 CR का। अब ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। फर्स्ट फेज 5.4 एकड़ में इनका आया था, 3 टावर आए थे जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब इनका सेकेंड फेज मई में आया था 2023 में, उसमें 1 BHK और स्टूडियो आए थे। ये LDK बोल देते हैं, LDK का मतलब है लिविंग डाइनिंग किचन, वो जैपनीज कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि हम जैपनीज कॉन्सेप्ट पे क्यों जाएं, जब हमारा अपना कल्चर इतना रिच है, हमारी अपनी बाइनरी है, हम 1 BHK 2 BHK 3 BHK कहते हैं, तो इनको मुझे लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग ढलना चाहिए, इनको भी 1 BHK 2 BHK 3 BHK उसको बोलना चाहिए। हमें मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जापान की हम कॉपी करें, जापान का कल्चर हम क्यों कॉपी करें, हमारा कल्चर किसी से कम थोड़ी है। तो हम यहाँ पर LDK नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे BHK। और उसका जो प्राइस था वो 1,45,00,000 से लेके 1,55,00,000 के आसपास था। 1 BHK जो इनका आया था वो 1180 स्क्वायर फीट के आसपास था और प्राइस था उसका 1,85,00,000 के आसपास। BSP जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 15,000 से 15,500 के बीच में इसका BSP था, 15,500 आप लेके चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका थर्ड फेज जो आ रहा है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, इस बार इतनी भगदड़ नहीं मचेगी, अपार्टमेंट काफ़ी है, आपको आराम से मिल जाएगा। और इसके बारे में जो भी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, जो भी आपको समझना है, इस प्रोजेक्ट में आपको जाना है नहीं जाना है, जाना है तो क्यों जाना है, नहीं जाना है तो क्यों जाना है, इन एंड आउट सब समझना है, स्क्रीन पे नंबर है, आपको क्रिसुमी लिख के व्हाट्सएप करना है, बाकी काम हमारा होगा। बात कर लेते हैं जो इनका थर्ड फेज आ रहा है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। उसमें आपको 2 BHK भी देखने को मिलेगा, 2 BHK प्लस स्टडी देखने को मिलेगा, 3 BHK देखने को मिलेगा, 3 BHK प्लस स्टडी देखने को मिलेगा। 2 BHK का जो साइज़ है 1830 स्क्वायर फीट होगा और 4 करोड़ के आसपास ये होगा, मैं अप्रॉक्स प्राइस बता रहा हूँ। दूसरा 2 BHK प्लस स्टडी 2000 स्क्वायर फीट के आसपास होगा, इसका प्राइस 4.5 करोड़ के आसपास होगा। तीसरा इसमें जो 3 BHK है वो 2500 स्क्वायर फीट के आसपास होगा और प्राइस होगा 5.5 करोड़। फोर्थ जो 3 BHK प्लस स्टडी है, जिसको ये 3 LDK प्लस स्टडी या उसको सर्वेंट कह सकते हैं,
उसका जो साइज है वो 3010 स्क्वायर फीट या 3031 स्क्वायर फीट के आसपास होगा और उसका जो प्राइस होगा 6.6 करोड़ के आसपास अप्रोक्स होगा। बीएसपी में बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, 20 से 22 के बीच में रहने वाला है इसका बीएसपी का। पीएलसी जीएसटी इसमें अलग से होगा। अब आपको लग रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं अच्छी, जापान की कंपनी है, बना के क्या कैसा देंगे। तो इन्होंने फेज वन के टाइम पे एक अपना सैंपल फ्लैट बनाया था, वो सैंपल फ्लैट हमने जब स्टूडियो आए थे तब वो कवर किया था, उसका वीडियो मैं नीचे डाल देता हूँ, लिंक में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लें। इन्होंने सैंपल फ्लैट किस तरह का बनाया है वो आपको दिख जाएगा। अगर बात करें क्रिसुमी सिटी की या क्रिसुमी बजट करें, तो इसमें आपको जैपनीज जो कल्चर है, जैपनीज जो टेक्निक है, जैपनीज जो सारी चीज़ें हैं, उसका आपको इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको ऐसा कहा जाता है, कंपनी का ये दावा है कि जो जैपनीज है वो नेचर के बहुत करीब है। हम इंडियन भी नेचर के बहुत करीब है, हम भी बहुत दूर नहीं है, हम भी नेचर को बहुत पसंद करते हैं। तो आपको स्टोन्स दिखेंगे जगह जगह, आपको वाटरफॉल दिखेंगे, आपको ग्रीनरी दिखेगी। जैपनीज कल्चर में ये कहा जाता है, ऐसा इनका कहना है कि जब हम पानी को पार करके जाते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो सारी निकल जाती है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अपने घर में प्रवेश करते हैं। तो इन्होंने जगह जगह वाटरफॉल और जगह जगह वाटर बॉडीज इसलिए बनाई हैं ताकि जब लोग अपने घर में जाए तो जो उनकी नेगेटिव एनर्जी है वो पहले ही बाहर निकल जाए, ये इनका कॉन्सेप्ट है। तो फेज थ्री में भी आप बेफिक्र रहिए, इनका अलग से आपको क्लब हाउस देखने को मिलेगा। एक चीज़ और बता दूँ, CPR कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, वहाँ पर और भी कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, नए डेवलपर कुछ और आएंगे, बट उनका प्राइस भी आपको इससे कम नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अगर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसके पास में एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है गुड़गांव में, सबसे महंगा कोई ट्रेड अगर अफोर्डेबल रीसेल में हो रहा है तो इसके पास जो प्रोजेक्ट है वो हो रहा है 65 से 68 लाख रुपये में, वहाँ पर 2 BHK का एक अफोर्डेबल मिलता है। तो CPR कैसी जगह है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, ये अफोर्डेबल वाले भी अच्छे से समझते हैं। और अफोर्डेबल वो पूरा पैक्ड है, एक घंटे में वहाँ पे रेंट पे प्रॉपर्टी चढ़ जाती है और रीसेल तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, लोग बेचने को ही तैयार नहीं है। ये एक CPR का कमाल है। ग्लोबल सिटी की मैं बात कर चुका हूँ, बहुत लोग बात कर चुके हैं, मुझे लगता है उस पर बहुत ज़्यादा बात करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो मोटा मोटा ये एक इन्फॉर्मेशन थी क्रिसुमी 3O की जो मैंने आपके सामने रखी। आपके कोई सवाल हैं, आपकी और कोई सुझाव हैं, आप इसमें कुछ और डिटेल में समझना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा। अगर कुछ और आप चाहते हैं इससे रिलेटेड हम लेकर आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको क्रिसुमी में कुछ और जानना है तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।